Hi friends, I'm Payal and welcome to my channel Beauty Fair. आज ना मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा सा रेमेडी शेयर करूँगी। बाद में ये रेमेडी यूज़ करके आप मुझे थैंक्स ज़रूर कहोगे। सो आज का जो रेमेडी है ना, वो है एक हेयर ऑयल। ये जो हेयर ऑयल आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो फॉर मैन एंड वुमेन, कोई भी इसे यूज़ कर सकते हैं और सबके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है, जो आपके हेयर को बहुत ही स्मूथ, शाइनी, ग्लॉसी, हेल्दी, नरिश सब कुछ करेंगे। ये एक हेयर ऑयल में खाली 4 इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज़ करेंगे, जो इंग्रेडिएंट्स आपके घर पे इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट मी शो यू द इंग्रेडिएंट्स। सो इसमें जो हम लोग को लगेंगे वो है करी पत्ता, जो हमारे घर पे करी लीव्स जो है वो मिल ही जाते हैं। हम लोग कोई भी करी या कोई भी वेजिटेबल्स जब हम लोग कुक करते हैं तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। और साथ में लगेंगे मेथी। सो मेथी भी हम लोग के घर पे मिल जाते हैं। मेथी हम लोग के कुकिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा सा इंग्रेडिएंट है, जो कुकिंग करने के टाइम में अगर हम लोग इसे यूज़ करते हैं तो इसका जो स्मेल है बहुत ही अच्छा आता है, फ्रेश लीव्स होने से अच्छा है। मेरे पास में जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो गया है, कोई बात नहीं, इसे हम लोग यूज़ कर लेंगे। और साथ में 2 ऑयल हम लोग यूज़ करेंगे। एक है कोकोनट ऑयल, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, मेरे पास जो है मैं वही दिखा रही हूँ आपको। और साथ में कैस्टर ऑयल, ये भी आप कोई भी ब्रांड का कैस्टर ऑयल ले सकते हो। सो अभी मैं आपको शेयर करती हूँ कि कैसे हम लोग ये रेसिपी बनाएंगे। एक नॉर्मल बोल हम लोग ले लिया, 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल हम लोग ले लिया। सो 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल इसमें हम लोग मिला लिया कोकोनट ऑयल के साथ, ठीक है, कैस्टर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, ओके। अभी 10 टू 12 करी लीव्स इसमें डाल दूंगी और 1 टीस्पून जो मेथी दाने हम लोग लिए थे, जो फेनिग्रिक सीड्स है, उसको भी इसमें हम लोग मिला लेंगे। अभी इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करके इसे माइक्रोवेव में थोड़ा सा हीट कर लेंगे ताकि पूरा सा अच्छा सा मिक्स हो जाए। अभी ये जो मिक्सचर बना है मैं तो 1 टीस्पून करके ली हूँ, लेकिन आप चाहो तो थोड़ा सा ज़्यादा बना के आप इसे स्टोर भी कर सकते हो कोई भी ग्लास जार में, और उसे अप टू 1 वीक तक आप लोग रख सकते हो, एकदम अच्छा एंड फ्रेश रहेंगे। और ये जो जब भी आप इसे यूज़ करोगे ना, थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए, थोड़ा सा इसे हीट दे के थोड़ा सा गरम बना के देन उसे आप अपने हेयर पे अच्छी तरह से मसाज कीजिए। हेयर को पूरा स्कैल्प एंड नीचे तक उसको अच्छी तरह से मसाज करके फिर उसे, अगर आप के पास टाइम हो तो 1 नाइट उसे छोड़ दीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट डे शैम्पू कर लीजिए विद कंडीशनर, ओके। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो एटलीस्ट उसे 1.5 hours to 2 hours इसे स्टे करने दीजिए आपके स्कैल्प में, एंड देन उसे कोई भी शैम्पू से आप हेयर वॉश कर लीजिए और साथ में कंडीशनर देना नहीं भूलिए। सो ये जो आपका जो ऑयल बनेगा ना, बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि आप लोग सब जानते हो कि कोकोनट ऑयल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके बालों को स्मूथ बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं और सॉफ्ट एंड सिल्की बनाते हैं, बहुत ही अच्छा नरिशमेंट करते हैं। एंड उसके साथ में कैस्टर ऑयल तो सबको ही जानते हो कि कैस्टर ऑयल हेयर ग्रो करने में हेल्प करता है, तो हेयर ग्रोथ के लिए कैस्टर ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल। एंड अगर आप बात करो करी लीव्स के बारे में तो करी लीव्स भी बहुत 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 यूज़फुल है, हेयर ग्रोथ में आपको हेल्प करता है, प्री मैच्योर ग्रेइंग को रोकने में आपको हेल्प करता है, एंड उसमें जो 2 मुहे बाल होते हैं उसको ठीक से नरिश करके वो आपको हेल्प करता है, 2 मुहे बालों से आपका बाल को प्रिवेंट करता है। उसके साथ में आपके बालों को सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की एंड बहुत ही हेल्दी एक लुक देता है। और फेनिग्रिक सीड जो है ना, वो तो कमाल का एक इंग्रेडिएंट है जो आपके हेयर को ग्रो करने में हेल्प करेगा।
उसे घने बनाएंगे और साथ ही साथ में उसे ब्लैक रखने में भी हेल्प करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, ये सीड्स आपके डैंड्रफ को प्रिवेंट करेंगे। सो सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो सब, मतलब चारों जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज़ की है इस ऑयल को बनाने में, सब के सब आपके हेयर एंड स्कैल्प के लिए बहुत ही अच्छा है। उसमें बहुत सारे विटामिन्स है, बहुत सारे मिनरल्स है, बहुत कुछ है जो आपके हेयर को ग्रो करने में, आपके हेयर को अच्छे बनाने में आपको हेल्प करेंगे। सो आज ही आप इसे ट्राई करो, इसे बना के आप रख दो एंड आफ्टर वन वीक इसे चेंज करो। मतलब जितना क्वांटिटी आप इसे यूज़ करोगे, आप ऐसे श्योर हो जाओ कि ये वन वीक तक आपका चलेगा। और एक जार बॉटल में उसे स्टोर कर दीजिए एंड वीक में इसे एटलीस्ट 3 times यूज़ कीजिए बिफोर शैम्पू, अच्छी तरह से मसाज करके, ठीक है। अगर आप इसे यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपके हेयर का जो प्रॉब्लम्स है सब मैजिकली रिमूव हो जाएंगे। और विंटर के लिए ये बहुत ही अच्छा सा एक ऑयल है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी ब्यूटिफुल।